साथियों, आज सुनिए, आज लखीमपुर के जीआईसी ग्राउंड में हम सब के बीच समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष और उत्तर प्रदेश के सबसे युवा, हजारों करोड़ युवाओं के दिलों की धड़कन रहे पूर्व मुख्यमंत्री जी, हमारे बड़े भाई आदरणीय श्री अखिलेश यादव जी आपके बीच पधार चुके हैं। आपका स्वागत करते हैं उपस्थित सम्मानित मंच, इस ग्राउंड में उपस्थित हमारे सारे भाइयों को, बहनों को, पिता तुल्य बुजुर्गों को, आपकी बेटी का, आपकी बहन का क्रांतिकारी इस्तकबाल। साथियों, आज ये जो सभा हो रही है ये बहुत महत्वपूर्ण है। बात सुनिए, आज हमारे बीच देश के सबसे युवा मुख्यमंत्री, जो हजारों करोड़ों युवाओं के दिलों की धड़कन है, आज उन्होंने ये मौका दिया है आपको और हमको, हम सबको, कि युवाओं की आवाज बुलंद होगी। आज आप सब लोगों से बस एक बात कहना चाहते हैं, आप सबसे सिर्फ एक बात कहना चाहते हैं कि ये जो गठबंधन हुआ है ये इस देश की जरूरत है। और माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी को इस मंच के माध्यम से आप सब और हम धन्यवाद कहते हैं। एक नारे के साथ धन्यवाद, एक नारे के साथ धन्यवाद दीजिएगा, जय 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 अखिलेश, जय 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 अखिलेश, समाजवादी पार्टी जिंदाबाद, बहुजन समाज पार्टी जिंदाबाद, राष्ट्रीय लोकदल जिंदाबाद। साथियों, हम सबका सौभाग्य है ये कि आज युवाओं की बात सुनी जाएगी सिर्फ और सिर्फ एक व्यक्ति के माध्यम से। ये सरकार जो बात किया करती थी बड़ी बड़ी, आज वो कहीं नहीं ठहर रही है। माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी, मैं इस गठबंधन के सामने, इस गठबंधन के लिए माननीय समाजवादी पार्टी के, बहुजन समाज पार्टी के और राष्ट्रीय लोक दल के नेताओं के लिए और इनकी सारी सारी हमारी कार्यकारिणी के और हमारे जनता के लिए आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद देती हूँ। और आपसे अपील करना चाहती हूँ कि युवाओं की आवाज अब बुलंद होने की बारी है। देश की सबसे बड़ी अदालत में अब युवाओं की सुनी जाएगी। जो भारतीय जनता पार्टी के जुमले थे, झूठे वादे थे, अब हम उसको सच कर दिखाएंगे। युवाओं को रोजगार मिलेगा और मान सम्मान मिलेगा। साथियों, आप सभी से हमारी विनती है, आप सभी बहुत देर से प्रतीक्षा कर रहे हैं आदरणीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी की, और पूरे अनुशासन से आप सब बैठे हैं, हम आपके कर्जधारी हैं, आपका बहुत बहुत यहाँ पे धन्यवाद करते हैं और सिर्फ यही कहना चाहते हैं, ये जो गठबंधन अब दिन प्रतिदिन ऊपर उठ रहा है, इसमें एक एक साथी, एक एक व्यक्ति जान लगा देना, अपना मान सम्मान लगा देना, क्योंकि ये लड़ाई अपने मान सम्मान की है, अपने अधिकारों की रक्षा की है। इसलिए सिर्फ आपसे अपील करूंगी कि अगर माताओं बहनों की, युवाओं की, हमारे यहाँ पे रह रहे किसानों जवानों की और सेना के जवानों की अगर आबरू इज्जत की परवाह हम लोगों को है, हम लोगों को यहां से उनका मान सम्मान देना है और उनके अधिकारों की रक्षा करनी है, तो इस बार गठबंधन की सरकार बना देना। आपका यहाँ पे आने का बहुत बहुत शुक्रिया सभी साथियों का। आप सबसे अपील करती हूं कि 29 तारीख को भारी से भारी मात्रा में आप सब लोग बूथों पे पहुंच के एक एक वोट डाल देना और एक एक वोट डलवा देना और
गठबंधन की सरकार का चयन कर देना, गठबंधन की सरकार का चयन कर देना। बहुत बहुत शुक्रिया सभी साथियों को। जय भीम, जय समाजवाद, जय हिंद।